सो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं नॉन रिटेलर नॉइन चैनल पर आप लोगों का स्वागत। देखो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं पैन कार्ड का काम करूं, मैं पैन कार्ड कस्टमर को अप्लाई करूं, कलेक्शन करूं, बट वो जब भी सुन लेते कि हमें 2-3 बार फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, उसके बाद उस डॉक्यूमेंट्स को हमें बाई पोस्ट भी भेजना होगा, तो वो बोलते हैं भाई नहीं, मैं इतना झंझट तो नहीं कर पाऊंगा, मैं पैन कार्ड का काम नहीं करूंगा, मैं किसी और को देकर करूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट ऐसी भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको ना बार बार फॉर्म फिलअप करना होगा, ना उस डॉक्यूमेंट्स को बाई पोस्ट सेंड करना होगा, ऐसे कोई नहीं, आप आराम से कर सकते हो, अपने मोबाइल फोन से या कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है उससे कर सकते हो, कोई भी प्रिंटर की जरूरत नहीं है। और ये जो पैन कार्ड है जल्द से जल्द मतलब ईमेल पर भी बहुत ज़्यादा फास्ट पर मिल जाते, साथ ही साथ कस्टमर के घर पर भी बहुत जल्द से जल्द डिलीवर हो जाते। देखो ये जो है ये प्रोसेस है EKYC के माध्यम से आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, जो कि अगर कस्टमर के आधार के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी आप कस्टमर का बहुत ही आसान तरीके से बायोमेट्रिक के थ्रू पैन कार्ड अप्लाई करके दे सकते हो। तो ये जो पैन कार्ड है ये NSDL का पैम यूजर आईडी जो मिलती है उनके थ्रू आप कर सकते हो। और इसका लाइव प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप कितने 5 मिनट के अंदर आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, और आप लोगों को 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड आपके ईमेल पर मिल जाएगा, और लगभग 7 से 10 दिनों के अंदर वो पैन कार्ड कस्टमर के घर पर भी डिलीवर हो जाएगा। और ये प्रोसेस इतना आसान है कि ना आपको कोई फिजिकल फॉर्म फिलअप करना होगा, ना कोई फोटो लगेगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स का जरूरत नहीं, सिर्फ अपना आधार कार्ड पर वो सारा चीज अपने पैन कार्ड पर आ जाएंगे, आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पर पैन कार्ड डिलीवर हो जाएंगे। ये बहुत ज्यादा आसान प्रोसेस है जिसमें आप सभी लोग काम कर पाओगे, और इसका जो एक पैन कार्ड का खर्चा ओनली 107 रुपीज का आएगा। आप अगर रिटेलर आईडी लेना चाहते हो तो आप लोगों को नॉर्मली एक मोबाइल नंबर दिखा जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप एक रिटेलर आईडी ले सकते हो, और आप भी घर बैठे मोबाइल से या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी है उनसे आप कस्टमर को बहुत आसान तरीके से पैन कार्ड अप्लाई करके दे सकते हो। कस्टमर भी खुश, आप भी खुश, आप भी अच्छा खासा इनकम कर पाओगे, क्योंकि एक पैन कार्ड का खर्चा जो आएगा आपको 107 रुपीज का आएगा, और कस्टमर से आप आराम से 180-200 रुपीज चार्ज कर सकते हो, जो कि आप अपने मार्केट के हिसाब से करना। तो चलो मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूं कितना आसान प्रोसेस से आप एक पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, और वो पैन कार्ड सही में क्या 2 घंटे के अंदर आता नहीं आते आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा। तो चलो कंप्यूटर पर जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले आ चुका हम क्रोम ब्राउज़र पर, तो यहाँ पर नॉर्मली आप सर्च कर सकते हो पैन सुविधा, ये आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट जाके लॉगिन कर लेना अपने आईडी पासवर्ड देकर। और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी है कैसे KYC वगैरह क्या करोगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ऐड वॉलेट में जाके यहाँ पर जो QR कोड वाला ऑप्शन है इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इस QR कोड से आप किसी भी स्कैन कर सकते हो, फोनपे, पेटीएम, गूगल पे। तो मैंने यहाँ पर 107 रुपीज़ का एक पैन कार्ड का खर्चा तो मैंने वो यहाँ पर कंप्लीट कर दिया, इंस्टेंट मेरे वॉलेट पर ऐड हो गया। न्यू पैन कार्ड अप्लाई पर जब भी क्लिक किया यहाँ पर रिडायरेक्ट हो गया। सिंपली यहाँ पर कुछ चीज़ फिलअप करना होगा जो कि ज़्यादा कोई टाइप नहीं, कस्टमर का आधार नंबर लिखना होगा, यहाँ पर जो भी टाइटल होगा मतलब श्री श्रीमती कुमारी जो भी होगा वो लिख देना, कस्टमर का पहले लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंड यहाँ पर UID जो है वहाँ पर टिक मार देना। मैं आपको यहाँ पर कस्टमर का एंट्री डिटेल्स नहीं दिखा सकता, तो थोड़ा सा आप लोगों को मतलब यहाँ पर बुलर वगैरह मिलेगा जो कि मैं पैन कार्ड से ढक चुका हूँ। तो यहाँ पर कस्टमर का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ मैं जल्दी में डाल देता हूँ। उसके बाद कस्टमर का यहाँ पर जो भी मेल फीमेल है सिलेक्ट कर लेना, यहाँ पर डू हैव एनी नेम तो यहाँ पर नॉर्मली नो कर देना है एंड नेक्स्ट कर देना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से वीडियो को देखो एंड आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली कस्टमर का फादर डिटेल्स भरना होगा, जिसका फादर नहीं हो उसका मदर्स का भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर नॉर्मली मैं कस्टमर का फादर डिटेल्स यहाँ पर दे देता हूँ, कस्टमर का पहले फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, उसके बाद फिर से फर्स्ट नेम, फिर से लास्ट नेम। तो नॉर्मली डालने के बाद प्रिंटेड यहाँ पर नीचे में फादर नेम ही सिलेक्ट कर लेना, उसके बाद नॉर्मली आप नेक्स्ट यहाँ पर कर देना। बहुत सा सिंपल सा प्रोसेस, तो मैं यहाँ पर कस्टमर का फादर नेम एंट्री कर दिया, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आप देखो ट्रेनिंग पर्पस के लिए एक वीडियो ऑलरेडी है जो कि आप चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि क्रोम पर कुछ सेटिंग करना होता है, पॉप अप रिडायरेक्ट जो सेटिंग है उसको ऑन करना होता है, तो आपको नहीं पता कैसे ऑन करना तो उस वीडियो को जाके मास्ट देख लेना। और आप अगर आईडी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन नंबर है, जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करो। तो नेक्स्ट पर मैं जब भी क्लिक किया यहाँ पर कस्टमर का यहाँ पर मेन जो ऊपर में देख सकते हो फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड, इसको मस्ट यूज यस करना, वरना आप लोगों को फिजिकल पैन कार्ड घर पर डिलीवर नहीं होगा। तो मस्ट यस इसको बिल्कुल करना, जरूर करना। उसके बाद यहाँ पर अगर इनकम सोर्स नीचे में है तो अगर आपका कोई भी इनकम सोर्स इससे अगर मिल जाता है तो बढ़िया, उसको टिक कर सकते हो, वरना इनकम फॉर्म आधार सोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर ऊपर वाले को यूज जरूर मतलब यस जरूर रखना, वरना पैन कार्ड आप लोगों को फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलेगा, ये चीज़ आपने दिमाग में जरूर रखना। ओके, तो चलो मैंने यस कर दिए यहाँ पर
नो बिल्कुल भी मत रखना, ये सी रखना। उसके बाद यहाँ पर इनकम अगर मिल जाते हैं वरना आधार सेलेक्ट करना है। कस्टमर का जो भी मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को लिख देना, जो आधार के साथ लिंक है वो भी दे सकते हो। यहाँ पर ईमेल आईडी बहुत ज़्यादा ध्यान से देना पड़ता है, क्योंकि ईमेल आईडी पर पहले 2 घंटे के अंदर पैन कार्ड रिसीव हो जाते हैं। तो ईमेल अगर गलत दे दोगे तो पैन कार्ड आपका रिसीव नहीं होगा और वापस थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो मैं अच्छे से ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब कुछ डाल देता हूँ, जो कि कस्टमर का पर्सनल चीज़ है तो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकता, जिसके वजह से मैं एक फोटो पैन कार्ड का फोटो देकर इसको मैं कवर किया हूँ। ओके, तो इसको बुरा बिल्कुल भी मत मानिए, मैं सब कुछ एंट्री यहाँ पर करूँ। आप लोग भी बहुत ज़्यादा ध्यान से एंट्री करो, कुछ चीज़ एंट्री करना होते नाम एंड फादर्स नेम, उसके बाद और कुछ। यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाते हैं जो कि नॉर्मली आपका जो भी स्टेट उसको सिलेक्ट करना बोलते हैं, और नियरेस्ट जो भी आपका सिटी होगा या शहर होगा नॉर्मली उसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर एओ कोड आ जाएगा, जो भी आपका नियरेस्ट कोड होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो भी कस्टमर का विलेज होगा वो प्लेस पर लिख देना, या जो भी शहर म्यूनसिपलिटी जो भी आपका नियरेस्ट है मतलब जो गाँव वगैरह है वो यहाँ पर डाल दीजिए। और यहाँ पर वेरीफाई अच्छे से सब कुछ वेरीफाई कर लीजिए, और वेरीफाई करने के बाद आप इसको जब भी कन्फर्म करोगे तो आपको आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक 6 डिजिट का ओटीपी चला जाएगा, जिस ओटीपी को नॉर्मली यहाँ पर एंटर। अगर कस्टमर के मोबाइल नंबर पर आधार लिंक नहीं है मतलब आधार के साथ मोबाइल लिंक नहीं है तो आप बायोमेट्रिक के थ्रू भी कर सकते हो। ओके, तो चलो कस्टमर के मोबाइल पर आधार मतलब ओटीपी चल चुके हैं, मैं ओटीपी को यहाँ पर आपके सामने एंट्री कर देता हूँ। और एंट्री करने के बाद आप जब भी सबमिट करोगे और एक बार भी ओटीपी लगेगा, जो मैं आप लोगों को लाइव दिखा देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो देख सो ओटीपी दिया सक्सेस, आप फिर से और एक बार ओटीपी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऊपर पर टिक पे सिलेक्ट करना आधार का, कस्टमर का आधार नंबर दे देना, कस्टमर का आधार नंबर पर ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी को नॉर्मली यहाँ पर एंट्री कर देना। तो अब काम फुल्ली खलास हो चुका है, आप पैन कार्ड का अप्लाई प्रोसेस कंप्लीट। आप देखोगे इंस्टेंट जो भी ईमेल आपने दिया था उस ईमेल पर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप आ जाएगा, और उसके लगभग 2 घंटे के अंदर आपको जो न्यू पैन कार्ड अप्लाई किया था वो भी आप लोग को मिल जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग को सारा चीज़ दिखा दे कि किस तरह से आप पैन कार्ड का अप्लाई कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा आसान प्रोसेस है। इस जो पैन कार्ड मिलती है इसमें सिर्फ एक कमी रह जाते जो कि सिग्नेचर नहीं रहते, सिग्नेचर के जो जगह होते वो जगह फुल्ली ब्लैंक रह जाते। तो वहाँ पर क्या कस्टमर के पास जब भी पैन कार्ड मतलब डिलीवर हो जाएगा उस टाइम कस्टमर को बता देना कि आप इस जगह पर एक मार्कर पेन लेकर, जो कलर पेन होते मार्कर पेन, उस पेन से आप एक सिग्नेचर कर लेना। बट इसका नॉर्मली कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिग्नेचर आप लोग ज़्यादा कोई वहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा कि आप नॉर्मल बोलोगे कि मैं सिग्नेचर कर लूँगा तो कोई को प्रॉब्लम क्या आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा 100% कि मैं पर्सनल वेरीफाई किया, बहुत सारा कस्टमर को मैंने पैन कार्ड अप्लाई किया, वो लोग बहुत सारा ऑफिस वगैरह पर जमा किया है, वहाँ पर किसी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आया। बट जो 2 घंटे के अंदर जो पैन कार्ड आ जाते उसको अगर किसी जगह पर आप जमा करोगे तो वहाँ पर अगर वो पैन कार्ड वेरीफाई करते तो उसको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पैन कार्ड का प्रोसेस लगभग 48 आवर्स लग ही जाएगा प्रोसेस। आपको कार्ड मिल जाता है मतलब ई पैन कार्ड, बट उस पर काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस जगह पर भी एंट्री करोगे वहाँ पर वैलिड नहीं दिखाएगा, और मतलब 48 आवर्स तक आप लोग को दिखा देगा, उसके बाद आप आराम से काम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से काम कर सकते हो, क्योंकि NSDL जो है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो कंपनी देते हैं ये भी मतलब ठीक ठाक कंपनी है कि 107 रुपीज़ आपने यूज ऐड कर सकते हो, ऐड करने के बाद पैन कार्ड अप्लाई कर दिया, आपके अकाउंट से पैसा कट गया, किसी वजह से पेमेंट फेल वगैरह हो जाते तो पैसे भी आप लोगों को लगभग 2 घंटे के अंदर आपके वॉलेट पर फिर से रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो ये जो वेबसाइट है ये भी लगभग ठीक ठाक है, और NSDL को तो आप भरोसा कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप आराम से यूज़र आईडी लेकर काम कर, इसका मोबाइल ऐप भी है जिस जगह से भी आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, बाकी कंप्यूटर लैपटॉप से भी तो अप्लाई कर ही सकते हो, बाकी तो आपको हेल्प मिल जाएगा। अगर आप लोग आईडी ले लोगे तो आपको फुल सपोर्ट मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। यहाँ पर जो आईडी का चार्ज रखा गया आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ का चार्ज है, आप अनलिमिटेड पैन कार्ड कर सकते हो, और यहाँ पर जस्ट एक पैन कार्ड का 107 रुपीज़ का खर्चा आएगा, सिग्नेचर नहीं रहेंगे, वो कस्टमर को पैन कार्ड अप्लाई करने से पहले ही बता देना सर सिग्नेचर नहीं रहेंगे, सिग्नेचर आने के बाद आप लोग को सिग्नेचर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे रह जाते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देते। बाकी सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल्स पर बता दिया, बाकी आईडी लेने के लिए आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप आईडी ले सकते हो, बाकी वहाँ पर आपको फुल जानकारी फुल सपोर्ट मिल जाएगी। ज़्यादा डिटेल्स के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और कुछ भी डिटेल्स और जानना चाहते जस्ट कमेंट। तो आज के लिए नहीं, थैंक यू वॉचिंग, मैं भी जान बंद मतलब, थैंक यू, बाय बाय।